साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे जो छात्रों को जो ड्रेस वितरित करनी है, साथ में उनका जो बैंक विवरण हमको किस प्रकार से प्राप्त करके उसके जो आवेदन है वो PO साहिबान को हमको अग्रेसित करने हैं, या जो पूरी प्रक्रिया होने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से हम सारी प्रक्रिया लाइव जानने का प्रयास करते हैं। यह जो प्रक्रिया है 3 चरण में होनी है, वर्दी की स्थिति जाननी है, इसके बाद में बैंक का विवरण प्राप्त करना है, और अंतिम चरण इसका होगा PO को अग्रेसित हमको करना है। इसके लिए सबसे पहले हमें स्कूल लॉगिन कर लेना है। इसमें जो योजनाओं का जो ऑप्शन दे रखा है, इसमें से हमको छात्र वर्दी DBT प्रणाली को सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि इसको जैसे ही क्लिक करेंगे नीचे आ जाएगा, इसको भी हमको क्लिक कर देना है। स्टूडेंट यूनिफॉर्म DBT सिस्टम पर जाएं। इसका जो सिस्टम है वो अलग पोर्टल पर दे रखा है, तो इसके लिए हमको अलग पोर्टल पर जाना होगा। जैसे हमने क्लिक किया, अब हम अगले पोर्टल पर आ चुके हैं। व्यू ऑल काउंट्स, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि कितने एलिजिबल स्टूडेंट हैं और कितने स्टूडेंट अप्लाई कर चुके हैं, स्टूडेंट पेंडिंग और अग्रेसित आवेदन, तो इस प्रकार आप स्कूल की स्थिति को देख सकते हैं। अब जो बाएं तरफ जो 3 लाइन्स दे रखी हैं, हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो डैशबोर्ड हम देख चुके हैं, दूसरा ऑप्शन आ जाता है हमारा यूनिफॉर्म स्टेटस। अब इसमें 3 चरण दे रखे हैं वर्दी की स्थिति, तो पहले चरण को पूर्ति करने के लिए हमें थोड़ा नीचे आना होगा। छात्र वर्दी की स्थिति, तो इसमें से क्लास और सेक्शन पहले से सिलेक्ट हैं, तो हमें गेट क्लास वाइज डाटा हमको ले लेना है। अब नीचे सामान्य से डिटेल आ जाएंगे कि प्रत्येक क्लास में कितने स्टूडेंट हैं और उनको कितने बच्चों को दी जा चुकी है टोटल जन आधार ऑथेंटिकेट, टोटल मार्क बाई स्कूल और नोडल को भेजे गए, तो ये संख्या आप देख सकते हैं। टोटल स्कूल का देखना चाहें तो वो भी नीचे आपको टोटल में मिल जाएगा। अब हमें क्या करना होगा, क्लास वाइज जो स्टूडेंट हैं उनका चयन करना होगा, तो सबसे पहले क्लास 1 ले लेते हैं। जैसे ही हम क्लास के ऊपर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के पश्चात नीचे जाएंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि नीचे जो डिटेल्स हैं वो आ जाएंगी। अब लास्ट में ये दे रखा है कि वर्दी का कपड़ा देने के लिए चयन करें, ये जो बुक्स दे रखा है इसको हमको टिक कर देना। जैसे टिक करेंगे तो सभी स्टूडेंट इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे, और नीचे अपडेट क्लोथ स्टेटस का जो बटन दे रखा है इसको जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही जो हमारा यूनिफॉर्म क्लोथ गिवन स्टेटस सक्सेसफुली हो चुका है, ऐसे ही हम सभी क्लास के लिए कर लेंगे। क्योंकि सभी का जो कपड़ा है वो हमको नोडल से प्राप्त हो चुका होगा, तो हमें सभी क्लास के जो बच्चे हैं इसी प्रकार से हमें सेलेक्ट करके सभी को वितरित कर देनी है। सभी क्लासेज की वर्दी बांटने के बाद में यहाँ जो टोटल का कॉलम दे रखा है, इसमें हमें देख लेनी है कि प्रत्येक बच्चे को वितरित कर दी गई है। यदि इनमें यदि कोई कमी आती है तो आप एक बार क्लासेज चेक कर लें, कोई बच्चा रह गया तो उसको भी आप अपनी जो ड्रेसेज है, कपड़ा है, वो वितरित कर सकते हैं। अब ये जो हमारा एक चरण प्रथम था वो कम्प्लीट हो चुका है, अब हम बढ़ते हैं जो द्वितीय चरण है हमारा उसकी ओर। अगला चरण आ जाता है बैंक विवरण प्राप्त करें। जैसे हम क्लिक करेंगे थोड़ा नीचे आएंगे तो उसी प्रकार से हमारे सामने जो क्लासेज हैं वो आ जाएंगे, और इसमें कुछ डिटेल्स दे रखी हैं, आप इनको देखना चाहें तो देख सकते हैं। जो बैंक डिटेल्स है उसके लिए आधार जन आधार का जो ऑथेंटिकेशन है वो होना अनिवार्य है, उसके बिना जो अकाउंट नंबर है वो हमको प्राप्त नहीं होंगे। तो इसके लिए सेम वही प्रक्रिया, पहले हमको क्लास को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही क्लास को सिलेक्ट करेंगे तो नीचे आते हैं, नीचे की तरफ हम देख पा रहे होंगे कि जो कक्षा है उसके समस्त बच्चों की डिटेल्स आ जाते हैं। स्टेटस में यहाँ आप देख पा रहे होंगे सभी के पेंडिंग दिखा रहा है, तो उसी प्रकार से हमको जो कॉलम दे रखा है संबंधित में हमको टिक कर देना है। आप चाहें तो एक एक बच्चे का सिंगल सिंगल भी कर सकते हैं। जैसे टिक करेंगे नीचे दे रखा है फेच बैंक विवरण, जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी जो प्रोसेस है वो होने लग जाएगी, और स्टूडेंट जो आइडेंटिफिकेशन स्टेटस है वो अपडेट सक्सेसफुली हो चुका है, यानी कि इनकी जो डिटेल्स हैं वो हमको प्राप्त हो चुकी हैं। जैसे ही अप्रूव्ड हो जाता है तो जो बच्चे की डिटेल्स हैं वो ग्रीन में आ जाएंगे, और स्टेटस में हम देख सकते हैं कि ये सिलेक्टेड हो चुके हैं। इसी प्रकार से जो सभी कक्षाओं के जो बच्चे हैं, सभी की जो बैंक डिटेल्स हैं वो हमको फेच कर लेनी है, उसके पश्चात ही हम आगे की प्रक्रिया कर सकते हैं। यहाँ केवल उन्हीं बच्चों का नाम शो होगा जिनके आधार और जनाधार वेरीफाई हो चुके हैं। यदि किसी कारणवश ऐसा बच्चा कोई रह गया है तो एक बार आप जाकर उसके जो आधार जनाधार हैं उनको फिर से वेरीफाई कर ले, तो उनका नाम भी यहाँ पर आपको शो होने लगेगा।
यहाँ जरूरी नहीं है कि आप विद्यालय के समस्त बच्चों का एक साथ ही आवेदन करें। जितने का जनाधार वेरीफाई हो चुका है आप उसके आधार पर टुकड़ों में भी कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो हमारा जो द्वितीय चरण है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम आ जाते हैं तीसरे चरण की ओर, पीओ को अग्रेसित करें। जैसे क्लिक करेंगे थोड़ा हमें नीचे आ जाना है, उसी प्रकार से गेट क्लास वाइज डाटा, नीचे हमें इस प्रकार की डिटेल मिलती हैं कि कितने स्टूडेंटों का वेरीफाई हो चुका है, अप्रूव्ड हो चुका है और कितने हम फॉरवर्ड कर चुके हैं। व्यू लिस्ट भी आप देखना चाहें तो इस जो आई का आइकन बना हुआ है इसके माध्यम से आप देख सकते हैं। आपको जिस भी क्लास का देखना है आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में प्रोसेसिंग के बाद में आप नीचे जाएंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि समस्त बच्चों की जिनका अप्रूव्ड हो चुका है उनकी लिस्ट आ जाएगी। अब हमको इसको क्लास वाइज अप्रूव करना है, तो इसका सिंपल सा एक्शन है कि आप फॉरवर्ड टू पीओ लास्ट में देख पा रहे होंगे ग्रीन में, इसको हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो प्रोसेसिंग होगी और हमारा जो कार्य था फॉरवर्ड करने का नोडल के ऊपर वो कंप्लीट हो चुका है और यहाँ एक्शन में ये जो स्थान है वो खाली हो चुका है। इसी प्रकार से हम समस्त कक्षाओं का जो एप्लीकेशन है वो पीओ को फॉरवर्ड कर देंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि समस्त कक्षाओं का हमने अलग अलग जो नोडल है उसको फॉरवर्ड एप्लीकेशन कर दी है ताकि उनकी जो सिलाई की राशि है वो उनके डायरेक्ट बैंक खाते में जा सके। यहाँ हमारे तीनों चरण कंप्लीट हो जाते हैं। सुविधा के लिए हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे विद्यालय में जितने बच्चे थे और जिनका जनाधार हो चुका था उनमें से समस्त बच्चों का हमने कर दिया है। ये इसकी टोटल में आप इनकी डिटेल्स भी देख सकते हैं। अब हम चाहें तो डैशबोर्ड के माध्यम से भी सारे डिटेल्स देख सकते हैं, तो इसके लिए लेफ़्ट साइड में जो डैशबोर्ड का आइकन जो ऑप्शन दे रखा है जैसे क्लिक करेंगे आप देख पा रहे होंगे कि आपके विद्यालय का नाम आ जाएगा। जैसे व्यू ऑल काउंट्स करेंगे तो टोटल कितने स्टूडेंट एलिजिबल हैं, टोटल कितने अप्लाइड हो चुके हैं और उसमें से कितने पेंडिंग बच रहे हैं, साथ में जो आपने जो आवेदन है कितने आपने आवेदन अग्रेसित कर दिए हैं। तो इस प्रकार से तीनों चरणों के माध्यम से आपका जो वर्दी का डीबीटी का जो कार्य था वो कंप्लीट हो चुका है। साथ ही वीडियो में इतना ही। जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और यदि कोई समस्या आती है कमेंट ज़रूर करें। इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।